इस बड़ी खबर सख्ती से बता दे, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है, किसानों का कर्ज फिर माफ होगा। कांग्रेस की सरकार बनते ही कर्ज माफ होगा, तो चुनावी साल में कांग्रेस का ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसे आप कह सकते हैं, एक बड़ी घोषणा करते सीएम भूपेश बघेल नजर आए हैं। किसान का कर्ज एक बार फिर माफ होगा, विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये बड़ी घोषणा, एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक सख्ती से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे। तो चुनावी साल में ये कांग्रेस का बड़ा मास्टर स्ट्रोक, सीएम भूपेश बघेल ने कर्ज माफी को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है कि किसानों का कर्ज फिर से माफ होगा, कांग्रेस की सरकार बनते ही कर्ज माफ होगा। तो एक बार उन्होंने फिर ये दावा किया है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, अच्छे दिन किसानों के आएंगे, ये बड़ा दावा वे करते नजर आए। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, कुलेश्वर पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुलेश्वर, विधानसभा चुनाव को अब कुछ एक महीने भी नहीं बचे हैं और इस दौरान ये बड़ा मास्टर एक स्ट्रोक सीएम भूपेश बघेल ने जो ऐलान किया है उसको कैसा देखा जाए? देखिए बिल्कुल, 2018 में हमने देखा था कि घोषणा पत्र में जो किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के तमाम किसानों ने कांग्रेस को भरोसा किया और कांग्रेस को जो 15 साल वनवास कांग्रेस में थी उनका वनवास खत्म करके सत्ता में बैठाया। निश्चित तौर पर सरकार बनते ही भूपेश बघेल ने किसानों का कर्जा माफ किया था, करीब 17 लाख से अधिक किसानों का कर्जा माफ किया था। एक बार फिर से सीएम भूपेश बघेल ने आज सख्ती में ऐलान किया है कि हमारी सरकार फिर दोबारा आएगी तो फिर से किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। देखिए किसान जो है छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे कामों के लिए जो है कर्ज लेते हैं, कर्ज काफी बढ़ जाता है। ऐसे में सीएम भूपेश बघेल का यह ऐलान निश्चित तौर पे किसानों के लिए काफी खुशी की बात है और साथ ही चुनावी साल में एक मास्टर स्ट्रोक की तरह भी इसे देखा जा सकता है। हम लगातार देख रहे हैं किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी जो है बेहतर काम कर रही है, हर योजना जो है किसान से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सीएम भूपेश बघेल ने फिर से ऐलान कर दिया है कि सरकार बनते ही हम फिर से किसानों का कर्जा माफ करेंगे। निश्चित तौर पर चुनावी साल में एक बड़ा घोषणा और बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसको कहा जा सकता है। निश्चित रूप से, और जैसा कि देखा जाए ये जो बड़ा ऐलान सीएम भूपेश बघेल ने किया है किसानों को साधते हुए किया है, क्योंकि प्रत्याशियों का ऐलान तो कर दिया है कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में और उससे पहले ही फ्रंट फुट पर कांग्रेस नजर आ रही है और उस दौरान एक ये बड़ा ऐलान, क्या कुछ असर इसका देखने को मिलेगा विधानसभा चुनाव में, किसान इससे प्रभावित होते नजर आए? देखिए निश्चित तौर पर इसमें बड़ा, देखिए बिल्कुल इसमें किसानों में निश्चित तौर पर असर देखने को मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है कृषि प्रधान प्रदेश है, किसानों की संख्या काफी ज्यादा है। जैसे मैंने कहा 2018 में किसानों का एक बड़ा वोट बैंक जो है कांग्रेस पार्टी को भरोसा करके कांग्रेस को वोट दिया था। देखिए बीजेपी भी लगातार किसानों के साधने के लिए हर एक प्रयास कर रही है, लेकिन सीएम भूपेश बघेल मौका ही नहीं दे रहे बीजेपी को कि कुछ ऐलान करे, उसके पहले ये ऐलान सीएम भूपेश बघेल ने कर दिया है। देखिए सबसे ज्यादा कीमत छत्तीसगढ़ में धान की कीमत है, धान को बढ़ चढ़कर कांग्रेस सरकार खरीद रही है, लगातार धान का कोटा बढ़ रहा है। उसके बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी कृषि भूमिहीन न्याय योजना, हर योजना जो है किसान से जुड़ा हुआ, तो ऐसे में ये ऐलान निश्चित तौर पर किसानों को एक बड़ी राहत देगी, किसानों को खुशी मिलेगी, क्योंकि निश्चित रूप से किसानों को एक बड़ी राहत तो है ही और धान खरीदी को लेकर भी जो टारगेट रखा जाता है उसमें भी किसानों को काफी फायदा होते यहाँ छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत के लिए कुलेश्वर। और चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं, सीएम भूपेश बघेल ने जो घोषणा की है, जो ऐलान किया है वो भी आप सुनिए। आज इस मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था कि जैसे पिछले समय किसान बन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बनाओ किसान बन के ऋण माफी हो। और चलिए इसी खबर ज्यादा बातचीत करेंगे, स्ट्रेट एडिटर आदित्य नामदेव जी हमारे साथ जुड़ गए। आदित्य जी, कर्ज माफी का ऐलान, बड़ा मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस का, आपका रिएक्शन? बिल्कुल, देखिए यही वो मास्टर स्ट्रोक था जिसमें 2018 में कांग्रेस सत्ता में काबिज हुई थी। छत्तीसगढ़ में कहा जाता है, देखिए हर घर में किसान होता है, 80% से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है। ऐसे में अगर आपने किसान को अपना पिन पॉइंट बनाया, किसान के इर्द गिर्द अगर आप योजना लेकर आए, आप घोषणा लेकर आए, आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। दो बड़ी घोषणाएं थी, देखिए किसानों का कर्जा माफ और 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान का मूल्य, ये दो घोषणाओं ने कांग्रेस को 15 साल की विपक्ष में जब रही थी कांग्रेस सत्ता में काबिज कराया था। देखिए अभी तक 17 लाख किसानों का 9,720 करोड़ का कर्ज माफ हो चुका है। इसके अलावा किसानों का 325 करोड़ रुपए का सिंचाई कर्ज भी माफ किया गया है, साथ ही जो होता भी 7,000 रुपए भूमिहीन किसानों को लगातार सरकार दे रही है। ऐसे में अगर इस साल भी यही घोषणा होती कि सरकार बनते साथ किसानों का कर्जा माफ होगा, निश्चित तौर पर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। सख्ती में
चरणदास महंत जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके नामांकन में सीएम पहुंचे हुए थे और मंच से ये बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। निश्चित तौर पर कांग्रेस का ये मास्टर स्ट्रोक है जो 2023 के चुनाव में निश्चित तौर पर कांग्रेस को फायदा दिलाएगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बड़े ऐलान से एक बार फिर कांग्रेस फ्रंट फुट पर आती नजर आ रही है। इसमें कोई नहीं, देखिए छत्तीसगढ़ की राजनीति केवल धान और किसान के इर्द गिर्द घूमती है, तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पर। कर्ज माफी दूसरा 2500 रुपए और 2500 के बाद तो अब तो ये कहा जा रहा है 2800 से 3000 रुपए तक छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो किसानों अगर ये घोषणा अभी से की जा रही मतलब समझ सकते हैं आने वाले चुनाव को लेकर सरकार कितना ज्यादा गंभीर है। कांग्रेस ने बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा अपने पास रख लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी को सोचना हो कि वो अपने घोषणा पत्र में ऐसे कौन से बिंदु किसानों के हक में शामिल करें कि सरकार उनकी बन सके। फिलहाल 9720 करोड़ मतलब लगभग 10000 करोड़ का कर्जा माफ इस सरकार ने कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी को तो ये सोचना होगा कि वो अपने घोषणा पत्र में क्या क्या ऐलान करती है और ये बड़ा ऐलान तो सीएम भूपेश बघेल ने कर दिया। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आदित्य जी। तो किसानों का कर्ज एक बार फिर माफ होगा। देखिए एक तरफ आपको एक्सेप्ट के जरिए जो ट्वीट किया है सीएम भूपेश बघेल ने, जो घोषणा की कि कांग्रेस सरकार आते ही पूर्व की तरह इस बार भी हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे।